क्या बच्चे क्या बड़े, सभी के लिए शाम के नाश्ते के लिए परफेक्ट हैं आलू सूजी के ये नगेट्स। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप इन्हें फ्रीज करके रख सकते हैं ताकि जब जरूरत हो फ्रीजर से निकाला और फ्राई किया, 5 मिनट में बेहतरीन स्नैक्स रेडी। इसे खाकर आप मार्केट वाले फ्रोजन स्नैक्स भी भूल जाएंगे। सबसे पहले मैंने हरी धनिया, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को बारीक चॉप कर लिया है। अब एक कढ़ाई ले ली है, इसे गर्म किया और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल, बारीक कटी हुई लहसुन और अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, वन टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, सॉल्ट 1 टीस्पून और पानी 1.5 कप के करीब। पानी में बॉयल आ जाए तो इसमें धीरे धीरे करके 1 कप सूजी डालें और दूसरे हाथ से स्टर करते जाएं ताकि लम्स ना पड़े। फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है वरना पानी तुरंत सूख जाएगा। जैसे ही सूजी पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी हम इसे किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सूजी का मिक्सर हल्का सा ठंडा हो रहा है, इस बीच हम मीडियम साइज़ के 4 आलू लेंगे और इन्हें छीलकर सूजी के मिक्सर में ग्रेट कर लेंगे। साथ ही में 2-3 चीज़ क्यूब्स को भी ग्रेट कर लेंगे। और डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। अगर नमक यहाँ पर कम लगे, आप टेस्ट करके देख लीजिए, तो नमक भी एडजस्ट करने के लिए डाल सकते हैं। मैंने जो नमक डाला था वो बिल्कुल परफेक्ट था तो इसलिए मैंने और नमक नहीं डाला है। सारी चीज़ों को मिक्स करके आटे जैसा स्मूथ डो तैयार कर लेंगे। अगर यहाँ आपको मिक्सचर थोड़ा सा गीला लगे, ऐसा लगे कि चिपक रहा है, तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच या फिर चावल का आटा 1 चम्मच कुछ भी मिला सकते हैं ताकि एक सॉफ्ट डो रेडी हो जाए। हाथ में थोड़ा सा तेल लगाकर एक लंबा सा लॉग जैसा, रोल जैसा बना लेंगे और उसे 1-1 इंच के छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे मार्केट के नगेट्स मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अब जितना यूज़ करना है उतना फ्राई करने के लिए अलग निकाल लें और बाकी को जिप लॉक बैग में या किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रीज कर लें। बस इतनी सी बात का ध्यान रखें फ्रीज करते समय कि जैसे ही फ्रीज़र में डालें, 4-5 घंटे बाद जैसे थोड़ा सा फ्रीज हो जाता है तो उसको शेक कर लें ताकि सारी नगेट्स, सारी बाइट्स जो हैं हमारी अलग अलग हो जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि ये सारे बाइट्स आपस में चिपक जाएं और जब आप फ्रीज़र से बाहर निकालें तो थोड़ी सी आपको मुश्किल हो, तो इसलिए 4-5 घंटे में इनको अलग अलग कर लें। अगर शेक करने से अलग नहीं हो रहे हैं तो हाथ से इसे अलग कर लें और उसके बाद वापस से उसे डाल दें फ्रीज़र में फ्रीज होने के लिए। इस तरह से सभी अलग अलग हो जाएंगे। तो फ्राई करने के लिए ऑयल डालें कढ़ाई में गर्म होने के लिए। ऑयल काफ़ी गर्म होना चाहिए, जब काफ़ी गर्म हो जाए तो उसके बाद उसको मीडियम फ्लेम कर दें और मीडियम फ्लेम पर हम अपने नगेट्स को फ्राई करेंगे। अगर गर्म नहीं होगा तेल तो नगेट्स बिखरने लगेंगे, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि तेल काफ़ी अच्छा गर्म होना चाहिए। हाँ, बाद में फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे, तो मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट तक जब हम नगेट्स को फ्राई करेंगे तो गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। इसे निकाल लें। और इसको सर्व करने के लिए
इसके साथ मैंने एक स्पेशल चटनी बनाई है, बहुत सिंपल सी चटनी है। थोड़ी सी धनिया, पुदीना, कुछ कलियां लहसुन की, हरी मिर्चें और नमक, इन सबको कूट लिया है। और कूट कर इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली सॉस और थोड़ी सी एक चम्मच मेयोनीज, इसको मिक्स कर लिया है। ये बहुत अच्छी लगती है इसके साथ, आप ज़रूर से इसे ट्राई करें। तो बस आलू सूजी के नगेट्स तैयार हैं, चटनी और सॉस के साथ इसे सर्व करें।